बिहार के गया जिले के इमामगंज विधानसभा के पेट पालने के खातिर नाबालिग बच्चे रोजगार के लिए बुधवार को अपने घर से एक टीम बनाकर हरियाणा सिरसों के लिए स्कॉर्पियो से निकले थे, लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। उत्तर प्रदेश के आगरा में एतोमा उत दौला इलाके के निकट स्कॉर्पियो ट्रक से भीषण टकरा गई। आगरा पुलिस के अनुसार ये हादसा तब हुआ जब चालक की आंख लग गई। वाहन में बिहार व झारखंड के कुल 12 लोग सवार थे, जिसमें से 8 लोग की हादसे के दौरान ही मौत हो गई। शेष 4 बुरी तरीके से घायल हैं, जिन्हें स्थानीय लोग व पुलिस प्रशासन के मदद से सड़क से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाया गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जो वाहन से नाबालिग मजदूर सफर कर रहे थे, उस वाहन मालिक का नाम मुरारी कुमार प्रभात के नाम से ऑनलाइन स्टेटस बताता है। वहीं बिहार के गया जिले के वरिया पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार द्वारा प्रेस रिलीज जारी कर दुर्घटना में शामिल व्यक्तियों की जानकारी दी गई। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दुर्घटना में मौत के बाद ही गांव में मातमी सन्नाटा छा गया है। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार बातचीत कर सबको बिहार लाने के प्रयासरत हैं। वह इस घटना की सूचना मिलते ही इमामगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत विकोपुर मुखिया प्रतिनिधि छोटन खान पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पीड़ित परिवार के साथ इस दुर्घटना में खड़ा हूँ, जो हमसे मदद हो रही है कर रहा हूँ। जो घायल व्यक्ति आगरा में भर्ती है, उसकी हाल जानने और बेहतर इलाज कराने के लिए बीकोपुर से 2 युवक को दिल्ली बस से रवाना किया और कहा कि इलाज में जो होगा मैं तैयार हूं और पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता करूंगा और सरकार की ओर से मिलने वाला लाभ पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द दिलाने की कोशिश भी करूंगा। मैं इस मौके पर इमामगंज विधानसभा के वर्तमान क्षेत्रीय विधायक जीतन राम मांझी के विधायक प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार दागी पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दिया और सरकार लाभ श्रीघ्र दिलाने की बात कही। वहीं पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल के, अगर नीतीश कुमार बिहार में ही रोजगार उपलब्ध कराते तो आज इन देश के भविष्य युवकों की जान नहीं जाती, उन्हें ये बात को स्वीकार किया और कहा कि अगर नीतीश कुमार रोजगार बिहार में उत्पन्न करा देते तो आज रोजगार के खातिर इन छात्रों की जान नहीं जाती। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। जो घटना घटी है सर, उसका नाम है विकास कुमार, जो अभी जो डेट कर गया है। एक बाप एक ही इकलौता बेटा था, उसका 4 बहन है। एकदम गरीबी आदमी है ये। इसका बाप देहरी करबंदिया कमा कर ये अपने बाल बच्चा का पोषण पालन कर रहे थे और ये पहली बार काम करने के लिए कल जो निकला, जो 12 के आदमी ठेकेदार ने लेकर जा रहा था सिरसा, और बीच में जो घटना हो गया आगरा। और इनको तो हम कहें कि मुखिया जी तन धन से तो लागल हैं और कुछ सहयोग राशि के लिए भी बोले हैं, और सरकार से हम लोग के मांग है कि कम पर भी विकास कुमार जो डेट किया उसका माँ के कम पर भी 5 लाख रुपया दिया जाए कि अपना बाल बच्चों को शादी ब्याह अच्छा से कर सके। अब इनको ही कमाने वाला कोई नहीं रहा। विकास हाँ, विकास कुमार जो था से एक बाप एक ही बेटा है और पहला लड़का यही था। अब इनका पीछे 4 बहन है। किस लिए वहाँ जा रहा है? काम करने के लिए। कम नहीं मिलता था? नहीं, यहाँ काम मिलता था कि बीच बीच में मिलता था, फिर नहीं मिलता था तो यहाँ से नहीं चल रहा था। इसे चलते जी अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गणेश कुमार हुआ, मेरा उनका घर है। ठीक है। घटना तो बहुत दुखदाई है, चाहे किसी का परिवार हो, बहुत दुखदाई घटना। इसका जितना इसके प्रति संवेदना प्रकट किया जाएगा उतना कम है। क्या अभी तत्काल कार्रवाई हो रही है वहाँ से डेड बॉडी लाने का? कार्रवाई के लिए हमारे नेता आदरणीय जीतनराम मांझी जी स्वयं लगे हुए हैं और माननीय मंत्री जी भी लगे हुए हैं, लघु सिंचाई मंत्री लगे हुए हैं, और वहाँ की सरकार से, आगरा की सरकार से भी बात हो गई है, वहाँ के DMSP से भी बात हो चुकी है और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बात हो गई है। इस पर उन लोग खुद स्वयं अपना मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इन लोग को लाभ मिले, क्योंकि दलित का मामला है, कमाने खाने वाले ये लोग बेरोजगार आदमी थे, और स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं हमारे नेता। घटना क्या हुई, कैसे घटना? घटना ये लोग सिरसा हरियाणा काम करने के लिए जा रहे थे और ये बेरोजगारी का आलम है कि ये लोग मैट्रिक का परीक्षा पास किए थे, दिए थे, एग्ज़ाम दिए थे, अभी पास नहीं किए थे। इन लोग सोचे कि बैठ के क्या करें, अभी जा कर के कुछ काम धाम कर लेते हैं, कुछ पैसा अर्जन कर लेते हैं। किसी की बहन के शादी करना था, किसी को अपने माता पिता को देना था, किसी को अपने आगे की पढ़ाई के लिए अपना पैसा का इंतजाम करने गए थे।
इनके साथ जो भी हुआ हम बहुत दुखित हैं, बहुत दुखित। विधानसभा क्षेत्र में कितने लोग के साथ ऐसी घटना घटी? अभी हम लोग कुछ जानकारी में 9 व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है और 9 एकदम नौजवान हैं। अभी मुझ भी नहीं आई है, ऐसे कही कि मुझ भी नहीं आई है, लेकिन बेरोजगारी के आलम है कि इन्होंने बाहर जाने का काम कर रहे थे, बाहर से कमा काम करने जा रहे थे। क्या क्या कहेंगे इसमें, मुख्यमंत्री की तरफ से अगर रोजगार मिलती इन लोगों को, शायद बाहर नहीं जा पाते। ये हकीकत बात है कि अगर हमारे बिहार में अगर रोजगार का अगर साधन मुहैया हुआ होता तो शायद हमारे ये नौजवान भाई आज मारे नहीं जाते, ये तो हकीकत है। इसमें विपक्ष भी आपका एक एजेंडा बना रही है इसको लेकर के? विपक्ष एजेंडा बना रही है, विपक्ष का काम है हल्ला करना, उस पर हम लोग क्या कहें। हम लोग को काम करने वाले आदमी हैं, हम लोगों की सरकार काम करने में विश्वास रखती है। आज क्या हालात थी रोड की, सड़क की क्या हालात थी, आज ऐसे गांव में भी बिजली आ गई है। ठीक। वीरेंद्र कुमार दांगी, विधायक प्रतिनिधि, इमामगंज। दुखद भरी घटना सामने आई है। सबसे पहले तो हम उस परिवारों को सांत्वना देना चाहेंगे जिनके बच्चे को इस दुनिया में आज नहीं रहा। 2 बच्चे यहाँ हमारे पंचायत के देवरिया गांव के थे, जो सिरसा कमाने के लिए जा रहे थे। कोई बरहा छकरबंधा का ठेकेदार है, वो लेके जा रहा था इन लोगों को स्कॉर्पियो से। तो आगरा के पास इन लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, उसमें एक विकास कुमार जो थे उनका देहांत हो चुका है। एक सुजीत कुमार है जो हॉस्पिटल में इलाजरत है, उनके इलाज के लिए पूरा प्रबंध हम लोग कोशिश यहाँ से कर रहे हैं लगातार। वहाँ के कुछ लोगों से संपर्क हमारा हो चुका है, लगातार उनसे मेरी बात हो रही है और वो लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। यहाँ से भी हमने अभी 2 आदमी को रवाना किया है हॉस्पिटल पहुँचने के लिए। बाकी इसके डेड बॉडी लाने के लिए हमने DM साहब के यहाँ भी बात किया, संतोष मांझी मंत्री जो हैं SC ST के, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय खुद से इसको देख रहे हैं और बहुत जल्दी उसका डेड बॉडी यहाँ भिजवाया जाएगा। बाकी इनके परिवार के बीच में भी हम लोग खड़े हैं, इनको सांत्वना दे रहे हैं। सवेरे ही से हम इसमें लगे हुए हैं। थाना प्रभारी महोदय से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी वहाँ के DSP साहब से, हमने भी बात किया वहाँ के DSP से, वहाँ के SHO से भी बात किया। जो मिला जुला के स्थिति है बहुत भयावह है और जो लोग डेथ किए हैं बहुत निडी आदमी हैं। उसके पास वो बाप माँ का इकलौता बेटा था, उसकी अब मात्र 4 बहन हैं, उसकी 4 बहन की शादी का भी इंतजाम उसे बेचारा नहीं कर पाया। एक बाप उनका है, वो क्या कर सकता, बहुत परेशानी हाल में है। और जो एक सुजीत कुमार जिनके इलाज चल रही है वो भी बहुत गरीब आदमी है। उसके लोग तो 3 भाई है, एक भाई बाहर कमाता है, बाकी 2 भाई यहाँ रहते थे। लड़का ही, और ये इत्तफाक की बात है कि दोनों लड़के पहली बार बाहर निकल रहे थे, इससे पहले ये लोग कभी बाहर नहीं गए थे। किस काम के लिए जा रहे थे? ये लोग सिरसा कोई होटल में काम करने जा रहा था, लगता है कि लोग वेटर वेटर का काम करवाने के लिए ले जा रहा था। अभी तक की जो जानकारी हमको मिली है, कल ये लोग 9-10 बजे निकला यहाँ से। क्या चीज़ निकले? ये लोग स्कॉर्पियो से जा रहा था। क्या कुछ अभी पीड़ित परिवार के लिए क्या सहानुभूति अभी आप? पीड़ित परिवार के लिए पूरी सहानुभूति मेरे पास हम रखते हैं इन लोग की। अभी तो इलाज के लिए जो भी है उनका पूरा खर्चा हम उठा रहे हैं। अभी 2 आदमी को हम यहाँ से पैसा वैसा दे करके भेजा है, बाकी वहाँ पर और जो खर्च होगा उन लोगों को हम ATM वगैरह दे के भेजें कि जितना खर्च हो बोलना, यहाँ से पैसा और उन लोगों को भेजेंगे। बाकी अब जो डेथ कर गए हैं उनके लिए जो हो सके हम अपने तौर पर उनकी मदद करेंगे ही। हम सरकार से भी मांग करते हैं कि कम से कम उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपने बाल बच्चे को परवरिश कर सके, उनकी जो बहन है छोटी छोटी उनका कुछ हो सके इंतजाम। बात घर में बहुत बेचारा एक ही था कमाने वाला, वो भी चला गया, कोई उसके पास बचा नहीं है रोजगार। ठीक है, परीक्षा दे दीजिए। मेरा नाम छोटन का हुआ, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बीकोपुर।